अब पहचान गए ना हमको। तो फ्रेंड्स, मुंबई में मॉनसून एकदम फुल लॉन आ चुका है और आप देख सकते हो कि आसपास कितनी ग्रीनरी है और उधर पहाड़ों पे ऐसे बादल टकरा रहे हैं, इतना सुंदर व्यू है। मैं तो जब भी मुझे ऑफ मिलता है मैं हमेशा निकल जाती हूँ सिर्फ महाराष्ट्र मॉनसून को एंजॉय करने के लिए। और मैं ये बात कहती हूँ पूरे उससे कि जो मॉनसून महाराष्ट्र में आता है ना और जो ब्यूटी महाराष्ट्र में होती है, इट्स किलिंग। मुझे मॉनसून में भीगना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली भाभी जी घर पे हैं कि जो लोकेशन है ना वो है ही इतनी सुंदर जगह पर कि रास्ते में पता ही नहीं चलता आपको कि आप ट्रैवल करके आ रहे हो। आसपास इतने ब्यूटीफुल नदियाँ आती हैं, वाटरफॉल्स आते हैं। वो क्या है कि शूटिंग करना पड़ता है, मतलब शूटिंग करना है, नहीं तो मैं तो मतलब अभी कूद जाती थी और फुल ऑन मस्ती करती थी वहाँ पे। मैं आपको दिखाती हूँ एक सुंदर सी नदी जो हमारे सेट के पास है। ये जो पानी की आवाज आती है ना कल कल करके बहता हुआ, कितना अच्छा लगता है। बस यहाँ पे बैठ जाओ और गरम गरम पकौड़े कोई बना के ले आए, अदरक वाली चाय बना के ले आए, बस उससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए मानसून में। चन 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 बारिश देख के बस मन एकदम खुश हो जाता है। मॉनसून मेरे लिए माय गॉड, पूरे साल मुझे इस मौसम का इंतज़ार होता है। बारिश का मेरा फेवरेट मौसम है। बारिश में भीगना, खेलना और मुंबई के आसपास तो इतने वाटरफॉल्स होते हैं मॉनसून्स में, तो मैं तो जब भी मुझे ऑफ मिलता है मैं निकल जाती हूँ और बहुत मस्ती करती हूँ। और जो भी हमारे यहाँ भी जैसे आजकल सेट पर रोज़ शाम को अच्छे आजकल आलू बड़े बनते हैं या फिर भजिए बनते हैं गरम गरम, मुँह में पानी आ गया देखो। और तो खाने का मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है और इस मौसम में तो और भी मज़ा और भी दुगना हो जाता है। अभी हमारे इसमें ही शूट किया था हम लोगों ने और मेरा फेवरेट सीन था वो, मेरा और भरभूति जी का, टिप टिप बरसा पानी टंग नंग नंग। मुझे वैसे लॉन्ग ड्राइव्स पे ऐसी बारिश हो रही हो, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, तो एक मेरा जो बहुत ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग है और वो मैं ज़रूर सुनती हूँ, रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन। बारिश में भीगते भीगते और फिर ऊपर से ये मिल जाए, उफ, ये तो मतलब किलिंग कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स, जब मैं सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह घर से निकली थी तो कोई भी भुट्टे वाला मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कच्चा भुट्टा ही ले लेती हूँ और जाकर सेट पे भून लेती हूँ।